अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशा मॉम्स व्लॉग्स विद अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। जी तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी आज मैंने कहा कि आपसे की जाए आज पकौड़ा करी की रेसिपी शेयर, कैसे मेरी मम्मा बनाती हैं, ये उनकी रेसिपी है। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अनियन चॉप कर लिए हैं और साथ में जी मैंने ग्रीन चिलीज ली थी काफ़ी सारी, उसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैं पकौड़े में ऐड कर दूँगी, बाकी डालूँगी कड़ी में। और इसके साथ जी लिया है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट हर दफ़ा की तरह। और यहाँ पे जी है चॉप अनियन, चॉप 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 कर लिए हैं। और यहाँ पे वैसे मेरी मम्मा बनाती होती कड़ी, मैं पहले बनाती थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने शेयर की है कि नहीं, आई थिंक की होगी, लेकिन वो डिफरेंट थी, वो बहुत जल्दी में बनाने वाली। और आज की मैंने कहा मम्मा की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो चलें जी, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ले लिया ऑयल और लिया है अनक्रीब 1 प्याली या 1 कप, तो वो लिया है मैंने ऑयल। इसको गर्म होने, इसके अंदर ऐड किया है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनना है, ब्लैक नहीं करना है, बहुत नाइस सा कलर आए। और जब इसकी स्मेल मीन फ्रेगनेंस आने लगे तो प्यारी सी, जब थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दे, तो इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करना है जो हमने चिलीज़ का बनाया था पेस्ट, वो इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाता है। तो मैंने कहा चलें जी, आई होप किसी को मेरी वाली रेसिपी पसंद आ जाए। तो इसके अंदर ये डाल दिया, मुझे ज़्यादा चिलीज़ वगैरह जैसे एक चीज़ अंदर नज़र आती है ना, वो नहीं पसंद है। तो मैंने कहा चले आज आपसे ढेर सारी बातें तो नई रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे प्याज़ों को जी डाल दिया है मैंने और अच्छे से इनको भूनना है, इतना भूनना है कि नाइस से सॉफ्ट हो जाए। और जी यहाँ पर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं उनके अंदर है जी टर्मरिक पाउडर, वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, उसके अनकरीब, और जितनी आपने कड़ी बनानी है ना उसके मुताबिक। तो मैंने ली है यहाँ पे चिली पाउडर एंड इसके अंदर मैंने चिली सीड्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि डिपेंड करता है रेड चिली पाउडर पर कि वो ज़्यादा डालने पे थोड़ा टेस्ट आता है या थोड़ा डालने पे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसके साथ मैंने 1 टीस्पून लिया सॉल्ट और 1 टेबल स्पून लिया है धनिए का पाउडर, तो ये बहुत ही अच्छा इसके साथ टेस्ट आता है। और जिसके साथ ही मैंने स्पाइसेस ऑल डाल दिए थे इसमें और स्टिल इसको फ्राई करना है, और बहुत ही प्यारा सा ब्राइट सा कलर आ गया है। और इसके साथ ही मैंने क्या किया था, मैंने 1 kg जो बुकी टन आपको नज़र आ रही है, मैंने बुकी ली थी योगर्ट की, ग्रे की योगर्ट मैंने यूज़ की है, और इसकी एक बुकिट है मैंने 1 kg की, और इसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून जी ऐड किया है बेसन का, और इसको ब्लेंड करना है, और 1 बुकेट ही पानी डाल के मैंने इसके अंदर उसको ब्लेंड कर लिया है। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि 1 किलो ली थी मैंने योगर्ट और 1 किलो लिया था पानी, और उसके अंदर 5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था ग्राम फ्लोर, और उसको मैंने मसाले के अंदर थोड़ा सा पहले डाल के उसको अच्छे से भूनना है, जिस तरह नाइस ही ग्रेवी बन जाती है ना, तो इसको अच्छे से भून के इसके बाद क्या स्टेप है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही नाइस वैसे कलर आया है, मसाले जितने ज़्यादा डालेंगे ना उतना ही नाइस टेस्ट आएगा। और मैं कितनी बना रही हूँ मैंने उसके हिसाब से डाला जी। तो प्याज भुन चुके हैं, ऑयल आना स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ग्राम फ्लोर और योगर्ट वाला मिक्सचर ऐड किया है ताकि उसकी नाइस ही एक ग्रेवी बन जाए, जो नाइस ही एक स्मेल है वो आना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद फिर जो चाय वाला कप होता है ना जिसके साथ हम चाय मिक्स करते हैं, तो उसके साथ हमने एक डालना है, तो फिर मिक्स करना है अच्छे से, दूसरा डालना है, फिर मिक्स करना है, इसको आस्ते आस्ते डालते जाना है और उसको अच्छे से मिक्स करता जाना है ताकि उसके अंदर गुठलियाँ सी ना बने, और तभी ही वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस स्लोली स्लोली सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करना है, और फिर ऊपर मैंने 1 बुकेट पानी का डाल देना है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी रब्ज वगैरह ना बने। और जी यहाँ देखिए इसका कलर कितना नाइस लग रहा है, और इसके अंदर मैंने साबुत 4-5 रेड चिलीज़ भी डाल दी थी जिनके साथ बहुत प्यारा नाइस सा कलर भी आएगा एंड मुनफरिद सा लगेगा। और इसके अंदर ये है कि हमने इसको पकाते जाना है, साथ में पानी डालते जाना है, पकाते जाना है, साथ साथ पानी डालते जाना है। मैंने कम अज़ कम 2 बुकेट पानी की इसके अंदर ऐड करनी है ताकि वो पकती रहे, आहिस्ता आहिस्ता पकती रहनी है। ये 4-5 आवर लगते हैं इसमें, और आपने इसमें आँच उतनी ही रखनी है। जब आपने इसके अंदर लस्सी वगैरह या योगर्ट का जो मिक्सचर है वो डालना है ना, तो आपने इसकी आँच उतनी रखनी है जितनी कि आपने
ऑल टाइम रखनी, मीन एक आंच आपने उतनी ही रखनी है, मीडियम रखी है तो पूरे टाइम पे आपने मीडियम रखनी है, थोड़ी ज़्यादा रखी है तो आपने ऑल टाइम ज़्यादा रखनी है, तो आपने ये माइंड में रखना है, तभी कढ़ी बहुत ही अच्छी और क्रीमी सी बनेगी जब उसको आस्ता आस्ता पकाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। और यहाँ पर मिक्सचर भी हो गया था रेडी पकौड़ों का, और यहाँ पे थ्री एंड हाफ आवर हो चुके हैं और मैंने कहा चलिए पकौड़े बना लेती हूँ। ये तो आपको मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं पकौड़े कैसे बनाती हूँ, और आज तो बहुत मज़े का कलर आया इनमें और बहुत ही क्रिस्पी से नाइस से लग रहे हैं, रमज़ान की याद आ गई है। खैर तो कढ़ी हो और उसके अंदर पकौड़े ना, नो नो नो, वो मज़ा ही नहीं आता, तो पकौड़े तो बहुत ज़रूरी हैं। मैंने वैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद बनाई, बस ऐसे 2 डेज़ पहले मेरे माइंड में आया कढ़ी, तो मैंने कहा चलें जी अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत वीकनेस है मेरे में कि जो माइंड में मेरी बात आ जाती है ना वो मैंने करनी है, और जो मेरे माइंड में चीज़ आ जाती है उसको मैं करके ही दम लेती हूँ। तो क्या सोचना और क्या करना, तो फाइनली आज मैं बना रही हूँ जी। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक, और इसका ऑयल में निकल आया है, ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया इसने, तो इसका मतलब है ये रेडी हो गई है। और मुझे 4.5 आवर लग गए हैं इस कढ़ी को बनाते हुए, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालती गई थी, आहिस्ता आहिस्ता बनाती गई थी, इसको बाद चेक करती गई थी ताकि जले ना, बर्तन को लगे ना, तो एहतियात से बनानी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना नज़र एक दूसरे पे हम रखते हैं ना, उसी तरह से नज़र कढ़ी पे भी रखनी होती है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर्स में डाल रही हूँ, और कढ़ी पकौड़ा हो और फ्रेंड्स को ना दी जाए और उनकी भी दिल की पूरी ना की जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड्स को तो देना बनती है डेफिनेटली, तो उनके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और आपने पकौड़े कढ़ी के अंदर नहीं डालने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सेव करनी है वो कढ़ी आपने कंटेनर्स में डाल के पहले फ्रिज में रखनी है, और उसके अंदर पकौड़े आपने ऐड नहीं करने। जब आप पकौड़े तभी फ्रेश बनाइएगा जब आप फ्रीज़र से कढ़ी निकालेंगे, क्योंकि अगर फ्रीज़र में इसी तरह पकौड़ों वाली कढ़ी रख दी जाए ना, तो जब निकालते हैं या गर्म करते हैं तो वो और तरह हो जाती है, उसका मज़ा नहीं आता। इसलिए पहले मैंने फ्रेंड्स के लिए निकाल लिया है, कुछ सेव करने के लिए निकाल ली है, तो इस तरह से फ्रेश पकौड़े इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जो कि आज खाने या इस तरह से जो बाहर पड़ी रहेगी इस तरह से, और फ्रेंड्स के लिए भी फ्रेश पकौड़े डाल दिए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह आपने करना है जी, आपने जो फ्रीज़र में सेव करनी है उसके अंदर आपने पकौड़े ऐड नहीं करने, उसके अंदर फ्रेश ही बना के आपने ऐड करने हैं, और बहुत ही मज़े की लग रही है। यहाँ पे मैंने बनाए थे ब्राउन राइस बॉयल किए हैं, साथ में जो ऊपर डाल रही हूँ कढ़ी, ये हस्बैंड और मैं इंजॉय करेंगे, और बहुत मज़े की लग रही है। हस्बैंड भी कह रहे हैं मुझे तो डाल के दे दो, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। तो जी यहाँ हो गई कढ़ी रेडी, और मम्मा की रेसिपी है ये, बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी चलें जी मैं करती हूँ चेक, और क्योंकि ये सबकी फेवरेट होती है पकौड़ा कढ़ी, और ये है जी मेरी रेसिपी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड इसके साथ ही इंशाल्लाह संडे को मिलूंगी, और ढेर सारे बातें होंगी, ढेर सारे व्लॉग्स होंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।